जरा सोचो कि आप सुबह नींद से उठो और आपको पता चले कि आपके बाल रात को किसी ने काट दिए हैं, तो आपकी क्या हालत होगी। बाल जाने का दुख छोड़ो, लेकिन रात को कौन आपके बेडरूम के अंदर तक आ गया और कैसे किसी ने आपके बाल काट लिए, ये सोच के डर के मारे किसी का भी कलेजा फट सकता है। और ये सारी फिक्शनल बातें नहीं है, 1940 के दशक के अंदर अमरीका के अंदर सच में यंग लड़कियों के साथ ऐसा होने लगा था। अमरीका के मिसिसिपी शहर की ये बात है, गर्मियों के दिन थे और पहला मामला सामने आया। एक औरत कहना था कि वो रात को एकदम नींद से उठी और उसने एक बड़ी सी कैंची का साया देखा, फिर उसको एहसास हुआ कि किसी ने उसके बाल काट लिए हैं। वो कुछ समझ पाए उससे पहले वो साया गायब हो गया। उसने अथॉरिटीज को कंप्लेन की, उन्होंने जांच की और पता चला हाँ बात तो सही है, किसी ने सच में उस औरत के बाल रात को काटे थे। उसके 3-4 दिन के बाद एक और मामला सामने आया और इस बार 6 साल की लड़की के बाल कोई रात को आकर काट के चला गया। और इस बार जांच में पुलिस को फुटप्रिंट्स भी मिले, यानी कि सच में कोई तो है जो रात को लोगों के घर के अंदर घुसता था और बाल काटता था। अब जरा प्रैक्टिकली सोचो कि ये कितनी डरावनी बात है। और इन हादसों के बाद पूरे शहर के अंदर भयानक डर का माहौल छा गया था, लोगों की नींद उड़ गई थी और ये जो अननोन क्रिमिनल था वो फैंटम बार्बर के नाम से मशहूर हो गया। और उसके कुछ दिन बाद एक अजीब सा ही मामला सामने आया। इस बार किसी ने एक भाई साहब के सर पर रात को जोर से वार किया उनकी जान लेने के लिए। वो भाई साहब तो बच गए, लेकिन उन्होंने बाजू वाले कमरे में जाकर देखा तो उनकी बच्ची के बाल किसी ने रात को काट दिए थे। तो अभी तक बात सिर्फ बालों तक थी, लेकिन अब जान पर आ चुकी थी। शहर में लोगों ने रात को सोना बंद कर दिया, अपने अपने काम पर जाना भी बंद कर दिया। मीडिया और न्यूज़पेपर्स के अंदर सिर्फ एक ही बात चल रही थी, कौन है ये फैंटम बार्बर। पुलिस ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, जो भी हो सकता था करना शुरू कर दिया, क्योंकि क्रिमिनल अपनी हदें पार कर रहा था। पूरा शहर एक तरीके के ट्रॉमा से गुजर रहा था। और बड़ी मेहनत के बाद फाइनली एक केमिस्ट हाथ में आया। उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने उस रात को उस भाई साहब के सर पर वार किया था, लेकिन मैंने किसी के बाल नहीं काटे हैं। तो फिर बात घूम फिर कर वहीं आ गई कि अगर ये फैंटम बार्बर नहीं है, अगर ये वो क्रिमिनल नहीं है, तो फिर कौन है? और जो भी है वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। लेकिन पुलिस को इसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, तो उन्होंने इसके लाइ डिटेक्टर टेस्ट किए, लेकिन पता चला कि भाई साहब सच बोल रहे हैं, ये फैंटम बार्बर नहीं है, इसने किसी के भी बाल नहीं काटे हैं। हालांकि कुछ टाइम के बाद ये सिलसिला बंद हुआ, लेकिन लोगों के दिमाग से वो डर कभी नहीं गया। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि आज भी वो एक मिस्ट्री है, अभी तक पता नहीं चला कि कौन था वो फैंटम बार्बर। और अगर आपको याद हो तो इंडिया के अंदर भी कुछ टाइम पहले ऐसे लड़कियों के बाल काटने के केसेस सामने आए थे। बोल टोटो, अब तेरा क्या कहना है इस पर? मेरे इंटेलिजेंट दिमाग का एक सवाल है, क्या ये भाई साहब बाल काटते कैसे थे? अच्छे बुरे ऐसा कोई डिटेल है क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है यार? अरे भाई, यहीं पर तो चूक गई ना पुलिस। काश मेरे जैसा इंटेलिजेंट दिमाग पुलिस के पास भी होता। मतलब बहुत ही आसान था इसको पकड़ना। कैसे? सिचुएशन नंबर 1, अगर वो अच्छे बाल काटता था, मतलब क्रिमिनल जो है वो अपने पैशन को फॉलो कर रहा था, है? उसको बाल काटना अच्छा लगता होगा, लेकिन कोई जाता ही नहीं होगा उसके पास बाल काटने के लिए, इसलिए भाई साहब लोगों के घर के अंदर रात को घुस घुस के बाल काटते थे, सिंपल, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए यार। हाँ तो सॉल्व हो गया ना केस। कैसे? अरे यार, एक तो कम दिमाग वालों को कितना समझाना पड़ता है। वो जब रात को आता था तो उसको सिर्फ इतना बोलना था कि देख भाई, वैसे रात को किसी के घर के अंदर मत घुसा कर, गलत बात, हम तेरे टैलेंट की कदर करते हैं, हम सुबह तेरे पास बाल कटवाने के लिए आएंगे, प्रॉमिस, तू अपना एड्रेस दे। फिर वो अपना एड्रेस देता और सुबह पुलिस उस एड्रेस पर जाकर उसको पकड़ लेती, केस सॉल्व यार। लेकिन टोटो कौन है वो, यही तो पता नहीं चल रहा था ना। अरे वो तो वो बताएगा ना। कौन? बार्बर। अरे वो क्यों बताएगा यार? अरे उसको धंधा करना होगा तो वो अपना एड्रेस देगा। और सिचुएशन नंबर 2 होती अगर वो अच्छा बाल नहीं काटता था तो? गुड क्वेश्चन, लेकिन फिर भी स्ट्रेटजी तो सेम ही रहती। चेंज इतना है कि उसको ये बोलना है इसके अंदर कि भाई देख, तू तो अच्छे बाल काटता है नहीं, लेकिन फिर भी हम तेरे पास ही आकर बाल कटवाएंगे, तू अपना एड्रेस दे। फिर वो अपना एड्रेस देता और पुलिस उसको जाकर पकड़ लेती, फिर से केस सॉल्व। ए भाई, दिमाग पर ज्यादा जोर मत दे, मेरे जैसा हाई कैपेसिटी वाला दिमाग नहीं है तेरा, फटफट जाएगा, मेरा नाम आएगा।